आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली में सभी महिलाओं को तोहफा देते हुए डीटीसी बसों में महिलाओं का किराया माफ करने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से महिलाओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला, लेकिन लॉकडाउन के बाद हाल ही में एक वाक्य ऐसा सामने आया जो दिल्ली सरकार के इस दावे की पोल खोल रहा है। दरअसल तीन महिलाएं बदरपुर से रोहिणी आने के लिए बस पकड़ती है और जैसे ही महिलाएं बस में बैठती है तो कंडक्टर उनसे किराए की मांग करने लगता है। महिलाएं कंडक्टर को काफी समझाती है लेकिन कंडक्टर नहीं मानता और महिलाओं को 50 रुपए वाला पास थमा देता है। बहरहाल इस मामले में एक बात तो साफ कर दिया है कि भले ही सरकार बड़े बड़े दावे कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर ले, लेकिन जब बात धरातल पर आती है तो उसका नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला है। हम लोग बदरपुर से हैं और हम किसी काम से है ना यहाँ रोहिणी गए हैं, तो लेकिन जब बस वाले से हमने पूछा कि आप चलोगे, पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में तैयार हुआ वो चलने के लिए। हम बस में बैठे, बस में बैठने के बाद वो कहने लगा लाओ जी पैसे दो और टिकट। हमने कहा जी हमें पास चाहिए, तो कह रहा कोई नहीं 50-50 रुपये लगेंगे, और उन्होंने हमसे 50-50 रुपये लिए और हमें ये पास बना के दिया है। ये है वो पास, लेकिन लेडीज़ों का तो कोई पैसा लगता ही नहीं है। वो कह रहा है ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हम बाद में और भी बसों में आए हैं लेकिन उसमें किसी में पैसा नहीं लगा, उन्होंने बल्कि हमें खुद टिकट दे दी। हमें उनको बोला भी था, हमने और एक दो जगह हमने उनको बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो ये इसकी टिकट नहीं है। कहते नहीं इसकी टिकट है, तो मैं कहा हम इसकी कार्रवाई करेंगे। कहते आप कर लो कार्रवाई। हमारे सामने लेडीज़ थी, उसने टिकट फ्री ली। हमने कहा एक दो लोगों से आपने पैसे नहीं लिए। कहते नहीं वो गलत है, हमने पैसे लिए। हम बदरपुर से रोहिणी आ रहे थे, तो सर मेरे को यहाँ ज़रूरी काम था, तो यहाँ मैं अपनी मम्मी और अपनी आंटी के साथ आई हूँ। तो हम लोग बस में जब बैठे तो उसने टिकट के लिए पैसे मांगे, बोला कि टिकट लगेगी और पैसे लगेंगे इसके। तो हमने उससे बोला कि ये तो लेडीज़ के लिए फ्री है, ये तो सभी के लिए फ्री है वैसे तो लेडीज़ के लिए। उसने उसके बाद भी हमें टिकट दी और हमसे पैसे भी लिए उस चीज़ के। ब्यूरो रिपोर्ट, द दिल्ली टुडे।